हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। पुलिस भर्ती परीक्षा धांधली करने वाले 11 मुन्ना भाई चढ़े एसटीएफ के हत्थे, 5,78,000 रुपए बरामद। प्रधानमंत्री के संभावित आगमन के तैयारियों की जिलाधिकारी ने की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पुलिस मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे, एसपी सिटी ने किया खुलासा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई विद्युत संयोजन के संबंध में बैठक, 30 जून तक सभी सरकारी विभागों के भवनों में विद्युत संयोजन के दिए निर्देश। शाहपुर पुलिस और स्वैट टीम ने 10,000 के इनामी बदमाश को दबोचा, एसपी क्राइम ने किया खुलासा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी ने बताया, उपलब्धता के आधार पर होगी थानों पर इंस्पेक्टर की तैनाती, कानून व्यवस्था होगा और बेहतर। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सकुशल संपन्न हुई महानगर के विभिन्न केंद्रों पर सिपाही भर्ती इस परीक्षा। मंगलवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे लोकार्पण। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गोरक्षनाथ मंदिर परिसर में चल रहे साप्ताहिक अंतर्राष्ट्रीय योग कार्यशाला 4th दिन भी रहा जारी, वक्ताओं ने मुद्रा एवं बंध विषय पर व्यक्त किए विचार। नगर निगम का राजस्व बढ़ाने के लिए महानगर में भवनों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों पर लगेगा नंबर प्लेट, बकायादारों पर होगी सख्ती। प्रोफेसर सुमित्रा सिंह ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग की अधिष्ठाता एवं विभागाध्यक्ष का पदभार किया ग्रहण, प्रोफेसरों ने दी बधाइयां। जिला पंचायत सदस्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष एसपी सिंह उर्फ भगवान सिंह ने क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों को सांसद और विधायक की तरह प्रतिभा मानदेय दिए जाने की उठाई मांग। मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई IGRS की समीक्षा बैठक, पोर्टल पर लंबित सभी शिकायतों का तत्काल निस्तारण के दिए निर्देश। नगर निगम परिसर में सक्रिय दलालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, नगर आयुक्त ने कहा दलालों के प्रवेश पर लगेगा रोक। जिलाधिकारी ने सफाई व्यवस्था के जांच के लिए 70 अधिकारियों की वार्डवार की तैनाती, 20 जून तक जांच रिपोर्ट पेश करने के दिए निर्देश। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ ने रैली निकालकर किया एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन। नगर निगम परिसर में विभिन्न मांगों को लेकर प्रेरक संघ ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। और गोरखपुर अंडर 12 क्रिकेट लीग का उद्घाटन मैच, सुपर क्लब ने अक्की जूनियर को 6 रन से हराया।